हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कविता इज हियर। आज की इस वीडियो में हम लेटेस्ट ऑनलाइन एसे कंपटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मोनो मौसमी इज प्रेजेंटिंग अ न्यू ऑनलाइन इंटरनेशनल एसे राइटिंग कंपटीशन 2021 विद सुपर्ब प्राइजेस इन विच यू कैन पार्टिसिपेट फ्रीली, नो एंट्री फी नीडेड। हर पॉइंट के रिगार्डिंग यहां पर ब्रीफली डिस्कशन होगा, तो आप प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं रिवॉर्ड्स के बारे में। द एसेज विल बी ग्रुप्ड एज फर्स्ट सेकेंड थर्ड एडिटर्स चॉइस एसे आउटस्टैंडिंग प्रेज वर्थी एंड नॉट वर्थ मेंशनिंग अकॉर्डिंग टू द मार्क्स गिवन बाय द जजेस टू ईच ऑफ द एसेज। ओनली सेलेक्टेड एसेज अमंग दीज विल बी पब्लिश्ड इन द वेबसाइट एंड रिस्पेक्टिव लिंक्स विल बी कन्वेड टू द पार्टिसिपेंट्स थ्रू मेल। देयर आर ओनली थ्री फिजिकल प्राइजेज, सिर्फ थ्री फिजिकल प्राइजेज हैं, ट्रॉफीज, इटैली ट्रेवल बॉक्स एंड बुक। बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स को एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिया जाएगा और उनको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर वो इस ऑर्गेनाइजेशन की कोई पब्लिश्ड बुक खरीदना चाहते हैं या फिर कोई कस्टमाइज्ड पेन खरीदना चाहते हैं। आप इस सर्टिफिकेट को यूज भी कर सकते हैं एज एन एक्यूलेड अंडर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। अब जानते हैं अदर रिवॉर्ड्स के बारे में। अ फ्यू सेलेक्टेड आर्टिकल्स विल बी इंक्लूडेड इन द डिजिटल मैगजीन बीबर्स एंड अपकमिंग बुक्स। बाकी सारा प्रोसेस यहाँ पर मेंशन्ड है। अब मेन चीजों की भी बात कर लेते हैं। दोज पार्टिसिपेंट्स हुज आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड इन दिस वेबसाइट विल हैव वन मोर अपॉर्चुनिटी टू विन फिजिकल प्राइजेस लाइक कैश ऑब्लिक पर्सनलाइज्ड पेन ऑब्लिक मेडल ऑब्लिक बुक ETC। अब जानते हैं रिवॉर्ड्स के बारे में ओपनली। कैश प्राइज 1,000 रुपीज इफ द एक्चुअल यूनिक विजिट्स आर अबव 10,000 विजिट्स। कैश प्राइज 500 रुपीज इफ द एक्चुअल विजिट्स आर बिटवीन 5,000 to 10,000। पर्सनलाइज्ड पेन ऑब्लिक मेडल ऑब्लिक बुक ऑब्लिक नॉवल कॉस्टिंग अबाउट 300 to 400 रुपीज। एनी ऑफ दीज प्राइज एज पर द विनर्स चॉइस हुज आर्टिकल हैज विजिट्स बिटवीन 2,000 to 5,000। द रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस ऑफ द पेन बुक ऑब्लिक नॉवल आर शोन इन दिस लिंक। देयर विल नॉट बी एनी रिजल्ट अनाउंसमेंट सेपरेटली। कोई भी रिजल्ट अनाउंसमेंट सेपरेटली नहीं होगा। द पार्टिसिपेंट्स कैन मेल डेट दे हैव रिसीव्ड एन एक्सीलेंट रिव्यू फ्रॉम द रीडर्स ऑब्लिक व्यूअर्स आफ्टर 3 months ऑफ पब्लिशिंग द एसे। After examining from other side, the eligible participants will be rewarded above mentioned prizes. Participants can narrate their essay narration and send video/audio/ presentation and they can win the Star Presenter Award. Regarding guidelines of this competition is competition ki regarding guidelines. दिशा निर्देश। लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी ऑब्लिक बंगाली। एसे की लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी या फिर बंगाली होनी चाहिए। नेशनैलिटी एनी टू कैटेगरीज, टू जूनियर एंड सीनियर कैटेगरी। बिलो 14 ईयर्स ओल्ड जूनियर कैटेगरी DOB इज मस्ट, अबव 14 ईयर्स ओल्ड सीनियर कैटेगरी। वैसे तो इस कंपटीशन में कोई भी एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट, लेकिन फिर भी ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन जूनियर कैटेगरी, डैट्स मीन बिलो 14 ईयर्स, और दूसरी एज कैटेगरी है सीनियर कैटेगरी, डैट्स मीन अबव 14 ईयर्स। रजिस्ट्रेशन, नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, नो फीस इज रिक्वायर्ड।
regarding important deadlines oblique dates of this competition. इस competition की महत्वपूर्ण dates. Last date of submission is 25th April 2021. 25 अप्रैल 2021 को last date है. Result announcement first week of May 2021. मई 2021 के पहले हफ्ते में परिणामों का ऐलान होगा. Result announcement through this link. ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एसे सबमिशन लिंक. आपको अगर इस एसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो एसे सबमिट करने के लिए आपको इस लिंक को फिल करना होगा. ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड मिल जाएगा. नाउ रिगार्डिंग टॉपिक ऑफ दिस एसे कंपटीशन. इस एसे कंपटीशन का रिगार्डिंग टॉपिक ये है. इसका टॉपिक ध्यान से देखें. वन आर्किटेक्चरल मास्टरपीस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. बाकी आप टॉपिक की इस डिटेल्स को देख सकते हैं. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं. जजमेंट क्राइटेरिया ये है इस एसे कंपटीशन का जजमेंट क्राइटेरिया. ऑल द एसेज विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक सर्वे राइटिंग स्टाइल इनोवेशन स्ट्रक्चर ईटीसी. पार्टिसिपेंट्स शुड राइट पॉइंट वाइज विद प्रॉपर लॉजिक. बाकी आप इस इम्पॉर्टेंट नोट को भी पढ़ सकते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन सिर्फ ईमेल के थ्रू ही अवेलेबल है. कंसीडरिंग लार्ज नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेशन योर कॉल्स कैन नॉट बी टेकन रिगार्डिंग योर क्वेरीज रिलेटेड टू एसे सबमिशन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज रीड द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड आंसर्स ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय क्लिकिंग हेयर. ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इसको जरूर चेक करें चाहे आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में भी आ जाए तब भी. इफ स्टिल एनी डाउट एग्जिस्टेज प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस ओनली थ्रू ईमेल एट दिस ईमेल आईडी. नाउ इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ दिस कंपटीशन. इस कंपटीशन के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट रूल्स महत्वपूर्ण नियम. द एसे शुड बी मिनिमम 750 वर्ड्स फॉर सीनियर कैटेगरी एंड 500 वर्ड्स फॉर जूनियर कैटेगरी. सीनियर कैटेगरी के लिए न्यूनतम 750 शब्द वहीं पर जूनियर कैटेगरी के लिए मिनिमम 500 शब्द. यहाँ पर कोई भी अधिकतम शब्द सीमा नहीं है. देयर इज नो मैक्सिमम वर्ड काउंट. बाकी अगर सारे रूल्स बताएंगे इस वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. इसलिए आप इन सबको खुद रीड कर सकते हैं या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. लास्ट वन आई वुड लाइक टू से दैट कि ये बहुत यूनिक इनिशिएटिव है और ऐसे रेयर कंपटीशंस बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं. उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी. तो एज यूजुअल इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें. साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें. तो मिलते हैं फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव अपडेट के साथ. टिल देन ओके बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Thanks to everyone.